हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो गया तो आप अपने चैनल्स को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको पता नहीं है तो मैंने अपना कल ही चैनल मोनेटाइज किया है और उस पर मैंने वीडियो बनाया है जो कि आपको ऊपर में आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो मैं किसी और का देखकर नहीं बताने वाला हूं और मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आपको अपने चैनल्स का मोनेटाइज के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आपको ध्यान से सुनते जाना है और देखते जाना है कि मैं कैसे अपना चैनल्स मोनेटाइज किया था, कैसे अप्लाई किया था। तो आपको ठीक उसी तरह अपने चैनल्स को अप्लाई के लिए सेंड करना है ताकि आपका चैनल्स मोनेटाइज में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मैं बराबर अपलोड करता रहूं और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आपका 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद आपको मोनेटाइजेशन सेक्शन में यहाँ पे आपका अप्लाई के ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अपने अप्लाई के लिए आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 स्टेप आपको यहाँ पे करना है कंप्लीट, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो आपको एक एक करके हम बताएंगे कि आपको पहले फर्स्ट स्टेप करना है फिर सेकेंड। तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और नीचे में यहाँ पे एक बॉक्स देगा, वहाँ पे उसको टिक कर देना है। यानी कि आपका दोनों बॉक्स में टिक करके वहाँ पे आपको टर्न एक्सेप्ट कर देना है। करने के बाद आपका प्रोसेसिंग होगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है और हो जाएगा तो वहाँ पे आपका डन लिखेगा। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, देखिए मेरा प्रोसेस हो रहा है और देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में वहाँ पे डन हो गया। तो अब चलते हैं सेकेंड स्टेप में। आप उस पर फिर से सेकेंड स्टेप पर क्लिक करेंगे स्टार्ट पर और यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर नो पे करके बीच वाले पे नो पे करके और यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर देंगे और ये भी आपका प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना जीमेल सेलेक्ट करना होगा, जिस जीमेल से आपका यूट्यूब चैनल होगा तो आप उस जीमेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जब उस पर सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपका प्रोसेस होगा और ओपन हो जाएगा। होने के बाद आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर यस वाले पर क्लिक कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर यस वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर गेट मोर आउट एडसेंस लिखा हुआ है, उस पर आपको यस कर देना है। और यस करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, जिस कंट्री से आप है। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं इंडिया यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ किधर है, तो देखिए इंडिया पे मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, देखिए। और आपका यहाँ पर बहुत सारा कंडीशन टर्म्स दिया हुआ रहेगा, तो आप स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप इसको पढ़ भी सकते हैं या फिर आपको इसको स्किप कर देना है, मतलब स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा पूरा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक नीचे में बॉक्स दिखाई देगा यस का, आपको उस बॉक्स पे टिक करके आपको एकदम कंटिन्यू कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे इस वाले बॉक्स में यस आई हमने रीड, और आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ब्लू कलर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेंगे। इस तरह से आपका प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका मतलब पूरा एड्रेस फिल करने का यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, आप वेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे पूरा नेम वगैरह शो करना है। हाँ फ्रेंड्स, और एक बात ध्यान रखना है कि आपको नेम में अपना नेम डालना है, चैनल्स का नेम नहीं डालना है। और अपना नेम डाल देना है और यहाँ पर अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड और अपना सब चीज़ यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है और यहाँ पे रिजेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ पे वेट करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। तो आप रिजेक्ट करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे चुपचाप इसी तरह छोड़ देंगे और आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। होने के बाद आपको थर्ड स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका सेकेंड स्टेप जो है ये आपका प्रोग्रेस में चला जाएगा। इन प्रोग्रेस लिखेगा येलो कलर से, तो आपका ये 12 घंटा 10 घंटा के अंदर में आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रोसेस हो रहा है और ये देखिए यहाँ पे येलो कलर से मतलब लिखेगा, यहाँ पर बोलेगा इन प्रोग्रेस, यानी कि आपका प्रोग्रेस में है। तो आपका 8 से 10 या 12 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और थर्ड स्टेप है कि अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। आप देखिए मेरा यहाँ पे सेकंड स्टेप लिख रहा है इन प्रोग्रेस, तो जब ये हो जाएगा कंप्लीट तो आपका 2-3 दिन में आपका थर्ड स्टेप ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको थर्ड स्टेप में कुछ भी नहीं करना है। तो आप इस तरह से मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं।